मित्र, हमारी कुलीग, हमारे हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन एक्टर शबाना आजमी ने अपना व्यूज़, अपना एक्सपीरियंस हमारे विश्ली वुड के स्टूडेंट के साथ शेयर किया। आपने भी देखा। अब आपके सवाल होंगे और इनके जवाब होंगे। जी शबाना जी, सबसे पहले जानना चाहूँगा हाउ वाज़ द एक्सपीरियंस विश्ली, क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स आते हैं, बहुत सारे सिंगर्स आते हैं, काफ़ी पर्सनैलिटीज आती हैं यहाँ पर जो अपने व्यूज शेयर करते हैं, मैं जैसा कि सुभाष जी ने शुरू में ही कहा, मैं अपने आप को यहाँ की मेहमान नहीं समझती हूँ, मैं फाउंडर मेंबर्स में से हूँ और जब भी यहाँ आती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि काश मैं फिर से स्टूडेंट होकर और विस्लिंग वुड्स में ही सीखूँ, क्योंकि यहाँ का जो माहौल है और जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है बच्चों को, मैं समझती हूँ ऐसी बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं हिंदुस्तान में। और ये बहुत हैरत की बात है क्योंकि हम एक ऐसा मुल्क हैं जो दुनिया में सबसे ज़्यादा फिल्में बनाते हैं और फिर भी उसके हिसाब से जितने इंस्टीट्यूट्स हमारे पास होने चाहिए फिल्म मेकिंग के लिए वो नहीं है। विस्लिंग वुड्स ऐसा एक इंस्टीट्यूट है जिसको इंटरनेशनल रिकग्निशन मिलता है और मैं चाहूँगी कि इनके कामयाबी, इनके कदम हर दिन हर साल चूमते रहें। जैसे कि शबाना जी, आपने काफ़ी टूर किए हैं, आउट ऑफ कंट्रीज जाते हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस किए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स से मिलते हैं, लेकिन क्या लगता है कि इंडिया में इस तरह के जो जैसे सुभाष सर का विजली मूड है और कहीं सारे ऐसे जो एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो भी अपने इंस्टीट्यूशंस खोलते हैं, क्या ये मुंबई यूनिवर्सिटी या कोई और इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटी है उसमें क्या लागू होना चाहिए, फिल्म मेकिंग हो या चाहे कोई और सब्जेक्ट हो? ये बहुत ज़रूरी बात है क्योंकि जब तक हम इस इतने बड़े आर्ट को एक फॉर्मल डिग्री नहीं दें, जब तक उसका एक एडहॉक आइडेंटिटी रहेगी। ये बहुत खुशी की बात है कि विस्लिंग वुड्स को डिग्री मिल रही है TIS के ज़रिए, TISS के ज़रिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि अब रमेश सिप्पी साहब शुरू कर रहे हैं विद मुंबई यूनिवर्सिटी, लेकिन इस तरह से एक प्रॉपर डिग्री रिकग्नाइज्ड बाय द यूनिवर्सिटी इनिशिएट होना चाहिए और रेप्लिकेट होना चाहिए, क्योंकि उसके बुनियाद पर आप फिर दुनिया में किसी भी हिस्से में जाके यहाँ की जो है डिग्री वैलिड होगी। हमारे पास किसी तरह की कोई कमी नहीं है एज कम्पेयर टू एनी वेयर। आप गॉन टू इंस्टीट्यूट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। सुभाष सर, जैसे कि हमने देखा कि इंस्टीट्यूट से काफ़ी स्टूडेंट्स निकलते हैं और अपने कैरियर फिल्म मेकिंग, फिल्म इंडस्ट्री में बनाते हैं, एज अ डायरेक्टर, एज अ प्रोड्यूसर, आप किस तरह से सोचते हैं जो संजय लीला भंसाली के साथ हुआ है पद्मावती के सेट पर, जो उनका सेट जलाया गया है, काफ़ी सारे वाकया हुए हैं उनके साथ, क्या इस तरह का माहौल जो आम जनता में या फिर कोई संस्था उसे फिल्म के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, तो आपका क्या नजरिया है, क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि हमारे देश में कितना भी कोई अच्छा काम कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं पटाखा छूट जाता है। तो हमारे देशवासियों को भी आदत हो गई है पटाखे छोड़ने की, कभी इसको ना करना, कभी उसको तंग करना, कभी उसको जलाना, कभी उसको मना करना। इसी एक आर्टिस्ट हैं संजय लीला भंसाली, एक अच्छी फिल्म बना रहे हैं, उनको बनाने दीजिए। जब वो बार बार ये कह रहे हैं कि आप फिक्र मत कीजिए कि कुछ भी एक कहानी का मान नहीं होगा, और फिर भी आप विश्वास नहीं करते हैं, तो ये दुख की बात है। क्या ये गवर्नमेंट को एक अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, मैं उनकी तरफ से नहीं बता सकता, वो तो गवर्नमेंट ही करेगी। आप क्या चाहते हैं एज अ फिल्म इंडस्ट्री, पार्ट ऑफ फिल्म इंडस्ट्री? डेफिनेटली सुरक्षा मिलनी चाहिए, प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए और सम्मान मिलना चाहिए। मैं समझती हूँ जो हो रहा है वो बहुत गलत है और वो हमारी मुल्क की सेहत के लिए बहुत ख़राब है। इसको बहुत संजीदगी से लेना चाहिए। ये जो सरकार है उसको फौरन इसको एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की तरह ट्रीट करके उसके ऊपर सख्ती से कदम उठाने चाहिए, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि आज के माहौल में 10 लोग उठ के किसी भी चीज़ पर इतराज़ कर सकते हैं और उसको रोक सकते हैं, और यहाँ तो हिंसा हो रही है। ये जो कोशिश की जा रही है हमारे माहौल में कि किसी तरह से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो आर्टिस्ट की सबसे बड़ी ताकत है, उसके ऊपर कर्ब लगाई जाए, ये किसी भी डेमोक्रेसी के लिए अच्छी चीज़ नहीं हो सकती। देखिए, किसी भी डेमोक्रेसी में आपको पूरा हक है कि आप ऐसी चीज़ कहें जो मुझे पसंद नहीं हो, आपको ये हक है, लेकिन उसका कहने का तरीका एक होना चाहिए और वो कहने का तरीका हिंसा नहीं हो सकती। उसको टॉलरेट करना, इट मीन्स दैट यू आर कंप्लिसिट इन द क्राइम। आई कंडेम दिस अटैक ऑन संजय लीला भंसाली विद एवरी बोन इन माई बॉडी। वर्क वेरी हार्ड, लर्न योर लाइन्स। क्या बदलाव देखे हैं आपने इस आपके आपके दौर में और अभी के दौर में, जो एक्टिंग के जो पड़ाव, जो
देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो दौर है एक्टिंग का वो बहुत अच्छा है क्योंकि स्टैंडर्ड भी बदल रहा है मेन स्ट्रीम सिनेमा में भी, क्योंकि सब एक्टर्स सिर्फ एक फिल्म एक वक्त पे कर रहे हैं तो उनको वक्त मिलता है कि वो एक कैरेक्टर को पूरी तरह से सजाएं। और एक्टर्स अपने आप से भी बहुत डिमांड कर रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा है कि आमिर खान ने किस तरह से इतना सारा वज़न बढ़ाया, उसको घटाया, इससे पहले फरहान ने भाग मिल्खा भाग में कितनी मेहनत की वगैरह वगैरह। तो ये बहुत अच्छा माहौल है और पहली बार हिंदी सिनेमा में ऐसा हो रहा है कि हर उम्र के कलाकार के लिए बहुत इंटरेस्टिंग रोल्स अवेलेबल हैं। आज से 10-20 साल पहले भी आप नहीं सोच सकते कि मेरी उम्र की औरत के लिए कोई सब्सटैंशियल पार्ट्स हिंदी सिनेमा में हो सकते थे। 30 साल की उम्र में एक लड़की का करियर ख़त्म हो जाता था, आज तो ऐसा लगता है कि 30 साल उसकी शुरुआत है। एंड एवरी काइंड ऑफ रोल इज़ अवेलेबल फॉर एवरी एक्टर ऑफ एवरी एज। आई थिंक द बेस्ट रोल्स दैट आई हैव डन इन द लास्ट 10 इयर्स आर सम ऑफ द फाइनेस्ट रोल्स आई हैव डन इन माय करियर, सो आई थिंक इट्स अ वेरी हैप्पी टाइम। India is a country in which 50% of the population is under the age of 25. It is our biggest strength. I would urge the young to harness the power that they have and become catalysts for change. Thank you. Okay. Thank you. Oh my God. Bye bye. Bye bye. Bye.